हेलो बच्चों, मैं नेहा सेन फिर से उपस्थित हूँ कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक सृजन का पाठ 7 हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय लेकर के। हरिवंश राय बच्चन जी, आपने बच्चन साहब का नाम तो बहुत सुना होगा, अमिताभ बच्चन जो वर्तमान में कोरोना से पीड़ित है और अपना इलाज करवा रहे हैं। तो बच्चों, उनके पिता थे हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो कि छायावाद के बाद वाला काल था। तो हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था और उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, वे अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खय्याम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित रहे। उमर खय्याम की रुबाइयों से प्रेरित उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला को कवि मंच पर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी जो थे, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एमए पास की थी इंग्लिश साहित्य से। अंग्रेजी साहित्य से इन्होंने एमए किया था और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की थी। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आने के बाद में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने जो इन्होंने पीएचडी की थी वो किसी अंग्रेजी राइटर के ऊपर की थी। तो वो पीएचडी करने के बाद में इनका नाम बहुत रोशन हुआ। वहां से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद में जब ये भारत आए तो उन्होंने विदेशी सलाहकार, हिंदी विभाग के अंदर सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया। और इनके बारे में कहा जाता है कि उमर खय्याम एक उर्दू के शायर थे, या फारसी के शायर थे शायद। उनकी रुबाइयाँ, रुबाइयाँ जो होती है, एक उर्दू फारसी शायरी का एक छंद होता है। जैसे हमारे हिंदी में छंद होते हैं ना, दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला, कवित, सवैया, बरवई, ऐसे ही फारसी का छंद है ये रुबाइयाँ। इन्हीं से प्रेरित इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था मधुशाला। उस मधुशाला नाम की जो रचना थी उसके अंदर इन्होंने अपनी जो अभिव्यक्तियां थी, यानी उनकी जो उनके सोचने का जो तरीका था या उनके काव्य की जो सीमाएं थी वो निकल करके आई। उन्होंने अपने काव्य के अंदर इतना उत्साह भरा या उन्होंने इतनी चीजें उसमें डाली कि वो हर मंच के ऊपर वो बोली जाने लगी थी उस समय पे, और बहुत फेमस हो गई थी उनकी रचना मधुशाला। ठीक है, कवि की विलक्षण प्रतिभा इश्क मोहब्बत पीड़ा जैसी रोमानियत से भरी हुई थी। वे परस्पर झगड़ने की बजाय प्यार को महत्व देते थे। बच्चों, हालावाद ऐसा काल था जिसके अंदर कवि स्वतंत्र होकर के अपनी मन की अभिव्यक्तियों को व्यक्त करता था। छायावाद के अंदर जो था, छायावाद के अंदर कवि का स्थूल से सूक्ष्म की ओर चित्रण था। कवि प्रकृति की चीजों में मानवीय चेतना भर करके अपनी कलम से उनको उकेरता था। कहने का मतलब, जैसे महादेवी वर्मा है, उन्होंने निर्जीव वस्तुओं को, अपने आसपास के वातावरण को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया, उनको अपनी रचनाओं में स्थान दिया। जैसे उनकी रचना देखो आप, गौरा है, गौरा कौन थी, उनकी गाय थी। जैसे उन्होंने गौरा का रेखाचित्र बनाया, अर्थात रेखाचित्र के माध्यम से अपने गौरा का वर्णन किया। उनकी बहुत सारी रचनाएं आप निराला जी को देख लो, इसके अलावा पंत जी को देख लो, जयशंकर प्रसाद जी को देख लो। तो अपने आसपास के वातावरण का वर्णन छायावाद में किया जाता था, और छायावाद का जो अंतिम समय था, अर्थात छायावाद के बाद वाला जो समय था, वो हालावाद था। हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? हरिवंश राय बच्चन जी। उन्होंने अपने मन की अभिव्यक्तियों को माध्यम बनाया था अपनी रचनाओं में। उनके मन में क्या, किस तरह की फीलिंग्स है, किस तरह के मनोभाव उनमें पैदा होते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं दुनिया से, वो सब चीजें उन्होंने अपने काव्य के अंदर ली। तो अपने मन की भावनाओं को जब उन्होंने अभिव्यक्त किया अपनी रचनाओं के माध्यम से, तो वहां पर क्या क्या चीजें थी बच्चों? वहां पर कवि की विलक्षण प्रतिभा इश्क मोहब्बत पीड़ा जैसे रोमानियत से भरी हुई थी। वे परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को महत्व देते थे। बच्चों, आपको इनके जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो हरिवंश राय बच्चन जी जब 17-16 साल के थे या 19 साल के होंगे लगभग, तब उनका विवाह हुआ था 14 साल की श्यामा जी से। श्यामा जी की मृत्यु टीबी के कारण जल्दी ही हो गई थी, तो उनसे इनका वैवाहिक जीवन ज्यादा नहीं चल पाया था। तो उनकी मृत्यु के बाद में एक पंजाबी पंजाबी जो लड़की थी तेजी जी, उनसे इनका विवाह हुआ। तेजी बच्चन के दो पुत्र हुए थे, अमिताभ बच्चन और अजिताभ जी। ठीक है, अमिताभ बच्चन तो बहुत बड़े, जान तो आप सब उनको, कितने बड़े एक्टर है, बिग बी, और अजिताभ जी हैं वो आज बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो तेजी बच्चन से विवाह के बाद भी उनके मन में श्यामा जी की कहीं ना कहीं कोई याद बसी हुई थी उनके मन में। वो उनका असामयिक निधन हो गया था टीबी के कारण, तो फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं स्थान था श्यामा जी के लिए। तो बच्चों, मेरा सोचना ये है, मेरा मानना ये है कि इनके जो भाव उमड़ के आते थे विरह से संबंधित, या उनकी उनके किसी प्रिय के याद में जो वो काव्य लिखते थे, जो रचनाएं लिखते थे, मेरा मानना ये है कि वो अपनी पहली पत्नी श्यामा जी के लिए ही लिखते थे। अब पता नहीं कुछ लोग इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट मेरा मानना यही है। ठीक है,
उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे तथा टूटी फूटी कड़ियां। इसके अलावा उन्होंने आत्मकथा लिखी। आत्मकथा के इनके चार अंश थे। पहला था क्या भूलू क्या याद करूं, फिर नीड का निर्माण, फिर जब तेजी बच्चन से इनका विवाह हुआ था उस समय की स्थिति का वर्णन इन्होंने नीड का निर्माण फिर के अंदर किया है, बसेरे से दूर तथा दश द्वार से सोपान तक। इनका जो बंगला था ना बच्चों, उसका नाम था सोपान, और उसके उसके अंदर जाने के लिए 10 दरवाजे थे, तो उसी का नाम इन्होंने लिखा है कि दश द्वार से सोपान तक। इनके द्वारा लिखित प्रवासी की डायरी तथा अनुवाद ग्रंथ हैमलेट, जनगीता व मैकबेथ भी लोकप्रिय रहे। इन्होंने कुछ ग्रंथों का अनुवाद भी किया था, क्योंकि हिंदी साहित्य से इन्होंने एमए किया था, और उसी के आधार पर इन्होंने अनुवाद किया था हैमलेट ग्रंथ का, जनगीता का, और मैकबेथ के, लोकप्रिय रहा था इनका। बच्चों इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनके जो पारिवारिक स्थिति थी वो सही नहीं थी, आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, तो कहा जाता है कि श्यामा बच्चन ने इनको जबरदस्ती पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाता, और वहां से उन्हीं के कहने पर ये कैम्ब्रिज जाकर के अपनी पीएचडी पूरी करके आए थे। ठीक है, यहाँ संग्रहित उनकी कविता आत्म परिचय, हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं आत्म परिचय, उसमें इन्होंने अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का बोध कराती है। आत्म परिचय कविता जो है वो अपनी खुद की अस्मिता, यानी आपकी क्या रेपुटेशन है, आपकी इज्जत क्या है, अपनी पहचान का बोध कराती है। सुख दुख को संभाव से स्वीकारते हुए जग जीवन से जुड़े रहकर जीने में ही आनंद है, अर्थात सुख और दुख, यानी कि बुरे दिन और अच्छे दिन दोनों समान होते हैं, दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए, ना तो दुख में दुखी होना चाहिए ना सुख में सुखी होना चाहिए। ऐसा भाव जो है वो जग जीवन से जुड़े रहकर जीने में ही आनंद प्राप्त होता है, हालावत के कवियों का ये मानना है, हरिवंश राय बच्चन जी का ये मानना है। कवि स्नेह सुरा का पान करके अपनी मस्ती में जीवन का गान गाता है, स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी मदिरा का पान करके कवि मस्त रहता है, उसे जीवन से कोई आशा नहीं है, मतलब जीवन से उसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो नहीं चाहता कि जीवन में मुझे ये मिल जाए मुझे ये मिल जाए, नहीं, वो केवल प्रेम रूपी मदिरा का पान करके मस्त रहता है, ना किसी से लेना ना किसी से देना। संसार की मौजों में मस्त भाव से बहना कवि को भाता है, अपनी मस्ती में वह नित नए जग का निर्माण करता है, दीवानगी का आलम यह है कि उसे अपने रुदन में भी नए राग नए छंद का आभास होता है, उसमें इतनी विरह व्यथा भरी हुई है, उसमें इतनी पीड़ा भरी हुई है कि जब वो पीड़ा बाहर आती है तो वो पीड़ा बाहर आने पर नए राग अर्थात नए गीतों का रूप ले लेती है, नए छंदों का रूप ले लेती है। बाहर के व्यक्ति को ये लगता है कि कवि जो है, यानी ये जो व्यक्ति है, इसकी जो पीड़ा बाहर निकल के आ रही है वो पीड़ा किस रूप में आ रही है, नए नए गानों के रूप में, नए नए छंदों के रूप में निकल के आ रही है। जो अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है उसके लिए यहाँ वहाँ सर्वत्र मस्ती ही मस्ती होती है, जो ये समझ लेता है कि आसपास उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसे केवल खुद को खुश रखना है, तो वो आसपास के वातावरण से भी खुश रहना सीख जाता है, तो वो हर जगह पे खुश रह सकता है। बच्चों पाठ परिचय हमने देख लिया, अब हम कविता देखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि ने सांसारिक बाधाएं जो होती हैं, या कहो सांसारिक जो कर्तव्य होते हैं, उत्तरदायित्व जो होते हैं, कर्तव्य बोध जो होते हैं व्यक्ति के, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है व्यक्ति के ऊपर, तो कवि यह कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो कवि वास्तविक जीवन में उन संबंधों का, उन रिश्तों का, या उन कर्तव्यों का उत्तरदायित्व अच्छी तरीके से कर रहा है, तो वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं उसको, भार के समान अर्थात बोझ के समान प्रतीत हो रहे हैं उनको, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। उसके बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतने सारे उत्तरदायित्व हैं, फिर भी वो अपने जीवन में प्यार लिए फिरता है, यानी इतनी सारी कठिनाइयां होने के बाद भी, जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी उसके जीवन में क्या है, प्यार है, प्रेम है उसके जीवन में। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, अब कवि कह रहा है ऐसी परिस्थिति में किसी प्रिय की याद या किसी प्रिय की स्मृति उसके मन में उठी और उस स्मृति को उसने, उसकी सांसों रूपी वीणा को झंकृत कर दिया, यानी उसकी जो सांस है, उसका जो मन है, उसकी मन रूपी वीणा की सांसों रूपी तार को झंकृत कर दिया, उनको उन्हें संगीत पैदा कर दिया जिससे उसे अच्छा लग रहा है, उससे बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है अंदर से, उसके मन में बहुत अपनत्व का भाव पैदा हो रहा है। कैसे कि उसके मन में अपने प्रिय की याद आई, तो उसके प्रिय की याद से उसके मन में खुशी उत्पन्न हो गई। ठीक है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ कि
कवि को इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। इस संसार में कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, कोई उसके बारे में क्या कह रहा है, कोई उसके बारे में कुछ सुन रहा है, उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं। वो कह रहा है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, यानी उसका आनंद लिया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। ये संसार क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं उस पर ध्यान ही नहीं देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कवि कह रहा है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ये संसार में उसी की पूछ होती है जो इस संसार के अनुसार चलता है, अर्थात जो जैसा संसार में हो रहा है उसका वैसे की वैसे एक्सेप्ट कर लेता है, वैसा के वैसा मान लेता है, मतलब जो हो रहा है वो होने दो। जो ऐसा करते हैं लोग संसार में, उसी की पूछ होती है, उसी को पूजा जाता है, उसी के बारे में सोचा जाता है, वही आगे बढ़ता है। मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। कभी कह रहा है कि मैं इस मुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं है, इस संसार में जो हो रहा है ना वो होने दो, मैं तो केवल अपने मन की बात सुनता हूँ और मेरे मन का ही मैं मानता हूँ, मेरे मन की कही हुई बातों को भी मैं सम्मान देता हूँ और उन्हीं के अनुसार मैं चलता हूँ, इस संसार के अनुसार मैं नहीं चलता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि मैं मेरे मन में अपने लिए कह रहा है कि मैं मेरे मन में बहुत सारे भावनाएं रख मैंने मतलब मेरे अंदर मैंने बहुत सारी चीजें समेट के रखी हुई है, उनमें उद्गार यानी उनमें बहुत सारे भाव हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मेरे मन में कुछ अपने प्रियतम की स्मृति रूपी उपहार है, यानी मेरे प्रियतम की कुछ यादें ऐसी हैं जो मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुश रखती है, मैं उनसे बहुत उत्साहित होता हूँ। तो मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, तो मेरे प्रियतम की जो मधुर स्मृति रूपी जो उपहार है वो मेरे मन में मैंने समेट रखा है, मेरे मन में वो संग्रहित हो रखे है। ये अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, कि ये संसार अपूर्ण है, अर्थात ये संसार मेरे लिए पूरा नहीं है, क्योंकि उनका प्रियतम उनके साथ नहीं है, उनके प्रिय उनके साथ नहीं है, तो वो उनको ये संसार कैसा लग रहा है, अधूरा लग रहा है उनके बिना। और उन अधूरेपन को दूर कब, वो अधूरापन उनका कब दूर होता है, जब सपनों के माध्यम से उन कल्पनाओं को वो पूरा कर लेते हैं, या अपने प्रिय को प्रिय से मिलने का उन्हें अवसर प्राप्त होता है सपनों में, स्वप्न में जब वो उनसे मिलते हैं तो उनके वो ऐसा संसार लिए फिरते हैं जब अपने प्रियतम से मुलाकात कहाँ कर लेते हैं, या अपने प्रियतम की स्मृति के माध्यम से जब वो अपने अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, या कहो अपने जीवन में रंग भर लेते हैं, तो वो उस समय उसके बारे में बता रहे हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि मैं अपने मन में विरह रूपी अग्नि को लिए रहता हूँ, अर्थात मेरे मन में मेरे प्रिय से विरह की जो व्यथा है वो मेरे मन में किसका काम कर रही है, अग्नि का काम कर रही है, और मैं उस विरह रूपी अग्नि में नित्य जला करता हूँ, वो मुझे अंदर ही अंदर पीड़ित करती रहती है। और सुख हो चाहे दुख हो, मैं दोनों में समान रहता हूँ, ना तो मैं सुख में सुखी होता हूँ ना मैं दुख में दुखी होता हूँ, दोनों ही अवस्था में मैं समान रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, कि ये संसार जो है ये सांसारिक भव बंधनों से मुक्त होने के लिए नाव का निर्माण करता है, अर्थात इस सांसारिक मोह माया से मुक्त होने के नित्य नए प्रयास करता रहता है, नित्य नए प्रयत्न करता रहता है, लेकिन मैं संसार की इन मौजों के ऊपर मस्त बहा करता हूँ, मतलब मैं इस सांसारिक बाधाओं को या इस संसार से पार जाने के लिए नहीं बल्कि संसार का आनंद लेने के लिए इनके ऊपर मस्त बहा करता हूँ, बिना किसी चिंता के बिना किसी फिक्र के मैं विहार करता रहता हूँ इनके ऊपर। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि मैं शारीरिक अवस्था से जरूर वृद्ध हो गया हूँ या प्रौढ़ हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी जवानी मेरे अंदर है, यौवनावस्था अभी भी मेरे भीतर है, और उसी के कारण उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, उन्हीं के कारण मेरे अंदर कुछ अवसाद है, मतलब उन यौवनावस्था को लेकर के मेरे मन की जो भावनाएं हैं वो भावनाएं मेरे अंदर इतनी प्रबल है कि वो मेरे लिए टेंशन बन गई, अवसाद का रूप उन्होंने धारण कर लिया, एक तरह से चिंता हो गई है, मेरी चिंता बन गई है अंदर ही अंदर। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, किसी प्रिय की याद जब आती है तो वो भीतर ही भीतर तो मुझे हंसाती है, मतलब अंदर तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रुलाती भी। देखो बच्चों, जैसे हमारा कोई प्रिय है या हमसे बहुत प्यार करते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम बहुत पास में रखना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति जब हमसे दूर चला जाता है
और जब हमें उसकी याद आती है, तो उसकी यादें जब आती है हमें, तो हम ऊपर से तो मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हमारे मन में पीड़ा होती है कि वो व्यक्ति हमारे पास नहीं है। तो सेम यही परिस्थिति यहाँ कवि के साथ में है, जो मुझको बाहर हंसा, बाहर से तो हंसा रही है, मतलब जब उसके प्रिय की याद उसे आ रही है तो बाहर से तो वो हंस रहा है लेकिन रुलाते भीतर, लेकिन अंदर ही अंदर उसे क्या कर रही है, पीड़ित कर रही है, उसे दुख दे रही है इस चीज को लेकर के कि उसका प्रिय उसके पास नहीं है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, अब कवि यही कह रहा है आपकी, हाय मैं अब उस प्रियतम की याद लिए फिरता हूँ, मेरे मन में अभी भी उसकी यादें संगठित है, उसकी यादें अभी भी संग्रहित है मेरे मन में, जिसे लेकर मैं घूमता रहता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब यहाँ पर कवि ने यहाँ वर्णन किया है कि कर यत्न मिटे सब, कि जिसने भी सत्य को जानने का प्रयास किया है वो सब अपने प्रयास करके हार गए, लेकिन फिर भी उन्हें सत्य का पता नहीं चल पाया। सत्य किसी ने जाना, क्या किसी ने कोई सत्य को जान पाया है, अर्थात नहीं। नादान वही है हाय जहां पर दाना, जिसे जहां खाने के लिए मिल जाता है या जहां जिसका स्वार्थ पूरा हो जाता है वो व्यक्ति वही मूर्ख बन के रह जाता है। अर्थात जहां आपका स्वार्थ पूरा हो जाता है ना बच्चों, वहीं आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है और आप आगे खोज करना बंद कर देते हो। कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, लेकिन जब हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो हम किसी आविष्कार की तरफ नहीं देखते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि नादान वही है हाय जहां पर दाना, कि वो नादान व्यक्ति जहां पर उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वो वहीं रुक जाते हैं और सत्य की खोज धरी की धरी रह जाती है, वो सत्य भी रह जाता है और सत्य की खोज भी नहीं हो पाती है। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर भी संसार में ऐसे मूर्ख लोग हैं जो इतना होने पर भी सीख नहीं पाते, अर्थात इतना होने के बावजूद भी वो मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते रहते हैं। इस संसार में जो लोग सत्य को जानने का प्रयास कर रहे थे, उन सत्य को जानने वाले लोगों ने अथाह प्रयास किए लेकिन वो सत्य को नहीं जान पाए, उनका स्वार्थ सिद्ध होते ही वो सत्य की खोज करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे नादान व्यक्ति जो ठोकर खाने के बाद भी नहीं सुधरते हैं वो व्यक्ति कैसे होते हैं, मूर्ख होते हैं। जो इस पर भी नहीं सीखे, अगर इस पर भी वो नहीं सीखते हैं तो वो उनकी मूर्खता है, मूर्खता है उनकी। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, भी हमें यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कि मैं सांसारिक बंधनों से मुक्त रहने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी अब तक जो सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ था, जिन उत्तरदायित्व का बोझ लेकर के कवि चल रहा था, जो हमने पहले वाले काव्यांश में पढ़ी थी, तो वैसे ही कवि यहाँ पे बता रहा है कि मैं उस सांसारिक उत्तरदायित्व से मुक्त रहने का ज्ञान सीख रहा हूँ, इस संसार की मोहमाया से मुक्त रहने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकरा था। अब यहाँ पर बच्चों तीन शब्द आए हैं और कौन सा अलंकार है बताओ, जल्दी बताओ। शब्द एक, अर्थ अनेक, अलंकार श्लेष, नहीं है, यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार में शब्द भी अलग अलग होते हैं और उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। कैसे, देखो मैं और यहाँ पर कवि खुद के लिए बता रहा है, पहले का मतलब मैं अलग हूं, यहाँ और का मतलब है मैं अलग हूं, इस संसार में जो लोग होते हैं उन लोगों से मैं भिन्न हूं। यहाँ पर ये जो और आया है ये अव्यय के रूप में आया है, जब दो वाक्यों को ये जोड़ने का प्रयास करते हैं या दो शब्दांशों को जोड़ने का, दो शब्दों को जोड़ने का जब प्रयास करते हैं तो वहां पर अव्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये और शब्द है, जैसे राम और लक्ष्मण, सीता और राम, ठीक है, तो वो वाला और है। और यहाँ पर जब और अन्य के रूप में आया, ठीक है, अब क्या कह रहा कवि यहाँ पे कि मैं कुछ और हूँ और ये संसार कुछ और है। कहाँ का नाता, यानी मेरा और इस संसार का कोई नाता नहीं, क्योंकि मेरा जो स्वभाव है, मेरी जो वैचारिकता है, वो इस संसार की वैचारिकता से, इस संसार के लोगों से बिल्कुल अलग है। हम दोनों में कोई नाता नहीं है, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बन पाता है, क्योंकि हमारी सोच अलग अलग है, हमारा व्यवहार अलग अलग है, हमारे विचार अलग अलग है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, अब ये कवि है, कवि अपनी कल्पनाओं के माध्यम से बहुत सारी रचनाओं का निर्माण करता है और उन रचनाओं को वो अगर अच्छी बनती है तो ठीक है, और नहीं बनती तो वो कितनों को खराब करता है, फिर बनाता है, फिर खराब करता है, फिर बनाता है। तो बहुत सारी कल्पनाओं को जोड़ करके कोई एक अच्छी रचना का निर्माण हो पाता है बच्चों। तो वही यहाँ पर कवि ने बताया कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कि न जाने में कितने ही जग रोज बनाता हूँ, मैं कितने ही उन जगों को रोज मिटा दिया करता हूँ। अपनी कल्पना की दृष्टि से कवि बहुत सारे संसारों का निर्माण करता है और संसार को, उस जग को वो मिटाता रहता है।
जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इस पृथ्वी के ऊपर लोग भाग वैभव के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, लेकिन मैं उस पृथ्वी पर जो लोग धन जोड़ते हैं उस पृथ्वी को प्रतिपग से ठोकर मारता हूँ। अर्थात यहाँ पर कवि के जीवन में धन का कोई महत्व नहीं है, किसी भी प्रकार का उसे लालच या लोभ नहीं है पैसों को लेकर के, रुपयों को लेकर के। आगे कवि कह रहा है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। बच्चों इस वाले पैराग्राफ, इस वाले काव्यांश में पूरे में विरोधाभास अलंकार है, देखेंगे कैसे। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद नीछावर, मैं वे खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। अब कवि कह रहा है कि मैं मेरे मन की जो व्यथा है, मेरे मन की जो पीड़ा है, उस पीड़ा में भी राग लिए फिरता हूँ। बच्चों जब आप दुखी होते हो तो दुखी होने पर आपके मन से गाना नहीं निकलता है, आपके मन से क्या निकलते हैं, अपशब्द निकलते हैं, या आप कुछ ऐसा कहते हो जो सामने वाले इंसान को बुरा लगता है। आप जब बहुत ज्यादा दुखी होते हो और आप ये भी नहीं चाहते कि कोई आपसे बात करे, आप अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हो। तो यहाँ पर कवि ने ये कहा है कि मेरे मन की जो पीड़ा है वो किस रूप में आई है, मैं उस पीड़ा को राग के रूप में लेकर के फिर रहा हूँ, वो गीत का रूप ले लिया उसने उसके अंदर। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, जहां पर शीतलता है वहां आग नहीं होती है। यहाँ पे विरोधाभास हो गया कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मेरी जो शीतल वाणी है उस वाणी में क्या है, विरह व्यथा की अग्नि है। ठीक है, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वे खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कि जिन राजाओं के प्रसाद यानी महलों के ऊपर, बच्चों ये प्रसाद जो होता है इसका मतलब महल होता है, एक प्रसाद होता है जो भगवान का प्रसाद होता है जो हम खाते हैं, ठीक है, तो दोनों में अंतर है, यहाँ पे प्रसाद है और वो प्रसाद होता है। तो जिस जिन राजाओं के महलों के ऊपर, मतलब जो बड़े बड़े ऐश्वर्य के निशानी है, उनके ऊपर मैं अपने मैं वे खंडर का भाग ले फिरता हूँ। मेरा मन जो है उन्हीं खंडरों के समान है जिनके अंदर मेरे प्रिय की यादें समाई हुई है, उनकी स्मृति पूरी तरीके से उनके अंदर सिमटी हुई है, तो मैं ऐसे खंडर को लेकर के इस संसार में फिरता हूँ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं रोया यानी मेरी जो पीड़ा है वो पीड़ा, उस पीड़ा को से जो गीत निकला, अर्थात कवि में जो पीड़ा उत्पन्न हुई, जो व्यथा उत्पन्न हुई, उस व्यथा को किसने किसने रूप ले लिया, गीत ने रूप ले लिया। तो कवि के मन की जो व्यथा है, कवि के मन की जो पीड़ा है, वह किस रूप में बाहर आई, गीत के रूप में। बाहर के लोगों ने अर्थात अन्य लोगों ने क्या समझा कि कवि गीत बना रहा है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, यानी मेरे मन का जो विरह है, मेरे मन की जो पीड़ा है वो बाहर फूट के निकली, यानी बाहर जब वो निकली तो तुम लोगों ने क्या कहा, उसे छंद बनाना, अर्थात उसे काव्य की रचना मान लिया उसे। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कि संसार क्यों मुझे कवि के रूप में अपनाना चाहता है, मैं कवि के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता, मैं तो इस दुनिया में एक नया दीवाना के रूप से अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। ये संसार मुझे कवि के नाम से नहीं बल्कि एक नए दीवाने के रूप में पहचाने, ये मेरी इच्छा है कि जो संसार है वो मुझे कवि के रूप में नहीं बल्कि एक दीवाने के रूप में पहचान दे। ठीक है, मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। अब कवि यहाँ कह रहा है कि मैं दीवानों के जैसा वेश धारण करता हूँ, यानी उसकी जो वेशभूषा है वो कैसी है, दीवानों के जैसी है। तो इसलिए कवि कह रहा है मैं कि दीवानों के जैसा वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कि मैं मादकता यानी मैं हमेशा किसके रूप में, मतलब मादकता में चूर रहता हूँ, यानी प्रेम रूपी नशे में मैं हमेशा चूर रहता हूँ, यानी उसमें हमेशा डूबा रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं ऐसी मादकता को सुन करके ये संसार झूम उठे और लहरा, यानी उसकी विरह रूपी जो विरह के रूप में जो गीत बाहर निकले, उन गीतों को सुनकर ये संसार उन गीतों का आनंद प्राप्त करे, उस गीतों को सुनकर के संसार झूमे, उत्साहित हो और लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे उस गीतों में सभी लोग मस्ती का प्राप्त करें, यानी आनंद को प्राप्त करें, ऐसा मैं संदेश अपनी कविताओं में लेके फिरता हूँ। बच्चों ये जो कविता थी हालावाद की कविता है, और हालावाद का मतलब ही यही है, मस्ती का युग। अर्थात कवि ने यहाँ पर उस पूरी कविता के अंदर स्वयं को, अपने आप को मस्ती में, मतलब आनंद से भरा हुआ माना है। कितनी भी परिस्थितियां जीवन में आए, कैसी भी कठिनाइयां जीवन में आए, परिस्थितियों का सामना करते हुए इस संसार की जो नियम है उन नियमों के खिलाफ, यानी नियमों के उल्टे, इन्होंने क्या कहा, इस संसार में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, व्यक्ति को एक समान रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व, कैसे भी आपके पास में बोझ हो, कर्तव्य को लेकर के, उन बोझ के बावजूद भी आपके मन में प्यार होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति को हमेशा खुश रहना चाहिए, यही कविता का संदेश है। ठीक है,
तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।